हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडस्रेंजर्स। आज हम क्लॉक के पार्ट को प्रोसीड करेंगे आगे। आज हम क्लॉक के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि अगर हमें टाइम दिया रहे और एंगल पूछे तो हम किस तरीके से निकालेंगे। उसे हम लोगों ने दो तरीके से सीखा था, एक फॉर्मूले से और एक शॉर्ट ट्रिक से। और हमने क्या सीखा था, क्लॉक के वाटर इमेज और मिरर इमेज को सीखा था। आज हम क्लॉक के सेकेंड पार्ट पर आते हैं। आज हम सेकेंड पार्ट में क्या सीखने वाले हैं, अगर हमें एंगल दिया रहे और हमसे टाइम पूछे तो हम क्या करेंगे। इस वैरायटी पे क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक आपको डिग्री दिया रहेगा या फिर आपसे पूछेगा कि पर्टिकुलर टाइम पे दोनों अपार्ट हैं, दोनों आपके आवर हैंड एंड मिरर हैंड सपोज दैट टू मिनट्स अपार्ट है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो कैसे करेंगे। आइए चलिए क्वेश्चन पे रख के फिर हम लोग आगे से प्रोसीड करते हैं। एंगल दे करके टाइम पूछे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, देखिएगा। लिखा हुआ है वो एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock to 5 o'clock बोथ हैंड्स विल मेक 30 degree एंगल। ये आपसे पूछ रहा है 4 बजे से 5 बजे के बीच में। ये मैटर नहीं करता है एएम है कि पीएम है, बस आपसे क्या पूछा है 4 से 5 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच 30 degree का एंगल बनेगा। पहली चीज़ तो ये जो लिखा है ना 4 से 5 के बीच, हमें इसका मतलब समझना चाहिए। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, टाइमिंग क्या हो होगी 4:00 से लेकर के 4:59। अब देखिए सपोज दैट अगर हमने आपसे पूछा कि डिजिट कितने होते हैं तो आपका रिप्लाई क्या आएगा, 10। अच्छा अगर हमने पूछा कि भाई डिजिट कैसे आप बताओगे कहाँ से कहाँ है, तो ऐसे ही बताते हो ना 0, 1, 2 एंड टू बी कॉन्टिन्यू टिल 9। हम इसे काउंट करते हैं तो 9 तो ये हो गया 1 से 9, और 0 को भी मानते हैं ना 10 बोलते हैं। इन द सेम वे हमको ये ध्यान रखना है कि टाइमिंग क्या है हमारी, 4 बजे से लेकर के 4:59 तक के बीच में ही हमारा आंसर आएगा। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, हमारा जो भी आंसर रहेगा वो 4:00 कुछ होगा। एक चीज़ तो मेरी ये क्लियर हो गई। अब देखिए इसे कैसे करते हैं। पहला चीज़ हम ज़रा इसे फॉर्मूले पे पुट करके देखते हैं, फिर हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। आइए चलिए, फॉर्मूला हमारा वही सेम है, फॉर्मूला 2-3 नहीं अप्लाई करना है, एक फॉर्मूले को रखना है उसी पे कंटिन्यू करना है। लास्ट टाइम हमने सिखाया था फॉर्मूला क्या था, A=11m। इस बार डिफरेंस की जगह हमें प्लस माइनस रखना है 60h/2। एक बार और रिमाइंड कर देते हैं, A फॉर एंगल, ओके, m फॉर मिनट एंड h फॉर आवर। अब देखिए यहाँ पे हमने प्लस और माइनस क्यों रखा, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि अभी देखिए 4 बज रहा है, अब इन्होंने बोला 30 डिग्री का मतलब हम क्या समझते हैं जी, 5 मिनट, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है, 6 डिग्री कवर करती है, तो 5 मिनट में कितना कवर करेगी 30 डिग्री। इन द सेम वे हम ये कह सकते हैं एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा है कि 4 बजे कब दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट का गैप होगा। वेरी गुड, जरा देखिएगा 4 बज रहा है तो मतलब 5 मिनट का गैप हमें ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं ना 4:15, 4:25, बात समझ में आ रही है। दो एंगल कैसे फॉर्म होगा, एक पहले वाला और एक बाद वाला, क्योंकि ओवरलैपिंग के बाद भी तो उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन होना स्टार्ट होगी ना। अगेन अब यहाँ देखिए, तो हम क्या करते हैं दो टाइमिंग निकालने के लिए, एक बार इस फॉर्मूले में प्लस रखेंगे फिर एक बार हम माइनस रखेंगे। तो ज़रा हम पहले प्लस रख के देख लेते हैं, तो माइनस को ज़रा हम रब कर देते हैं। देखिएगा एंगल हमें पता है, एंगल है हमारा 30 डिग्री, हमको मिनट नहीं पता है बट हमको टाइमिंग पता है। जैसे हमने बताया ना कि 4 बजे से लेके 4:59 तक ही रहना चाहिए, तो हमको टाइमिंग पता है अपॉन 2 जी यहाँ आ गया, ये हो गया 60 11m प्लस हो गया 240। अब देखिए एक चीज़ और, ये जो आपका है ना 240 इधर आएगा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बट हम माइनस साइन नहीं पुट करेंगे, बिकॉज ये हमें पता है कि टाइमिंग कभी भी माइनस में नहीं आती है। ओके, इस चीज़ का हमको ध्यान देना है, हमें यहाँ पे माइनस साइन नहीं पुट करना है। इधर आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 180/11, इसे हम अगर आगे कॉन्टिन्यू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16:11/4। इसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। एक टाइमिंग हमें ये मिल गई, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया एक करेक्ट टाइम जब होगा हमारी दोनों सुइयों के बीच में क्या होगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा, कंफर्म। अब जरा हम दूसरा टाइम निकालते हैं, दूसरा टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, बस इसी प्लस की जगह हमें क्या करना है, हमको माइनस रख देना है। जब हम यहाँ माइनस रख देंगे तो फिर यहाँ पे भी माइनस रहेगा, इन द सेम वे यहाँ भी माइनस रहेगा। अब जब ये वैल्यू उधर आएगी तो क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। वेरी गुड, अभी जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27 3/2
11. अब इससे क्या हुआ, एक टाइमिंग निकला 4:16, 4/11 और दूसरी टाइमिंग क्या निकल रही है 4:27, 3/11. देखिए ये जो 3/11 का फॉर्म में दिया है ना, ये क्यों दिया है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दे रहा है. होता क्या है, हर मिनट जैसे जैसे मिनट में मूवमेंट आती है, आवर हैंड में भी मूवमेंट आती जाती है. बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए ये 11 के फॉर्म में आपका आंसर आता है. अब ज़रा एक बार पॉज करते हैं, क्या ये प्रोसेस आपको बहुत लंबा नहीं लग रहा है? एक बार प्लस रखना, फिर एक बार माइनस रखना, इतना कैलकुलेशन करना, गलती से भी फॉर्मूला अगर मिस हो गया तो कैसे काम करना है? कोई नहीं, हमारे पास ट्रिक है इसके लिए, इसे हम रब करते हैं. अब जरा सेम चीज को हम फॉर्मूले से, सॉरी अपने ट्रिक से अप्लाई करते हैं. फॉर्मूले को हमने रब किया, आइए चलिए जरा देखते हैं. एक चीज हमें समझनी होगी ट्रिक से पहले, अगर एक बार दोनों सुइयां आपकी जो मिनट हैंड और आवर हैंड है कंफर्म, सपोज व्हाट 12 बजे ऐसे ही होता है, करेक्ट 12 ऐसे ही बजता है ना. जब हमारी मिनट हैंड पूरे 60 मिनट्स ट्रैवल करके वापस 12 पे आती है, तो हमारी जो आवर हैंड है क्या ये 1 पे चली जाती है? जाहिर सी बात है, 12 बजे के बाद 60 मिनट्स बाद 1 बज जाएगा, नेचुरल सी बात है. तो अभी क्या होता है, यहाँ पे 1 बज गया. ये चली कितना दूर है, चली है हमारी मिनट हैंड की मूवमेंट हुई है 60 मिनट्स, बट इनके बीच में गैपिंग कितने का दिख रहा है, 55 मिनट्स का कुछ क्लिक हो रहा है. चली है 60 मिनट्स, गैपिंग दिख रहा है 55 का. बस इसी चीज़ को ना हम ये 60/55 के फॉर्म में लिख लेंगे. इसे अगर हम 5 से कट कर दें तो क्या हमें 12/11 मिल जाएगा? गुड. इस 12/11 को आपको अपने दिमाग में याद रखना है. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आप देख के मिनटों में आंसर देंगे. देखिएगा 4 बजे कुछ इस तरीके से 4 बजता है जी. ओके, आपसे बोल रहा है व्हेन बोथ हैंड विल मेक 30 डिग्री. 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, 5 मिनट की गैपिंग, यही होता है ना. गुड. 5 मिनट की गैपिंग के लिए सपोज दैट अगर हमने बोला आवर हैंड से कि आप 4 पे ही रहना जी, मूवमेंट ना करना, तो हमको पहली टाइम क्या मिल रही है, 4:15. खुद ही देखिए 4:15 पे हमें पहली टाइमिंग मिल रही है. दूसरी टाइमिंग कब मिलेगी, 4:25, 4:25 पे मिल रही है कि नहीं, 4:25 पे. गुड. अब हमें बस करना क्या है, 4:15 मल्टीप्लाई बाय 12/11. ज़रा देखिएगा कितना आ रहा है, एक टाइम मिला आपको, एक टाइम आपको मिल गया ना. गुड. अब ज़रा सा आइए, ये आपकी एक टाइमिंग मैच कर गई. इन द सेम वे ज़रा हम दूसरी टाइम को देख लेते हैं, इसे हम यहाँ रब कर लेते हैं. ज़रा हम दूसरी टाइमिंग को देख लेते हैं. दूसरा टाइम हमने क्या बताया था, 4:25 पे मिल रहा था ना. कोई नहीं, आइए 4:25 मल्टीप्लाई बाय 12/11. ज़रा मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए कितना आ रहा है. आपका आंसर और प्रीवियस आंसर बिल्कुल सेम है, आप यहाँ से देख सकते हैं. ये जो 12/11 वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको अपने दिमाग में रख लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन को, जब भी आपको टाइमिंग सॉरी एंगल दिया रहे और आपसे टाइम पूछे, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी आप आंसर दे सकते हो. सिर्फ आप देखोगे और आप आंसर करोगे, आपको लंबे प्रोसेस से फॉर्मूले से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. चलिए अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखते हैं. एंगल देके टाइम पूछने की ये दूसरी वैरायटी है. क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, एक अभी हम लोगों ने देखा, अब ये सेकंड वैरायटी है, इस पर ज़रा फोकस करते हैं. इसमें क्या कहना चाहता है, लिखा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3:00 to 4:00 बोथ हैंड विल बी 10 मिनट्स अपार्ट. 10 मिनट्स अपार्ट, एक बात बताइएगा, 10 मिनट्स को हम और क्या बोल सकते हैं क्लॉक के फॉर्म में? क्या हम बोल सकते हैं 60 डिग्री? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1 मिनट में कितनी डिग्री कवर होती है जी, 6 डिग्री. 10 मिनट्स में 60 डिग्री. बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हमको एंगल अपने आप मिल गया. अगर हम फॉर्मूले में रख के देखना चाहें, आइए ज़रा फॉर्मूले में रख के देखते हैं. बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले को लेके बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि फॉर्मूला है तो आंसर हमेशा सही आएगा. इसीलिए ज़रा पहले हम लोग फॉर्मूले से प्रोसीड करते हैं. हमें पता है कि 1 मिनट में कितने का मूवमेंट होता है, 6 डिग्री का. तो 10 मिनट्स में जी कितना होगा, 60 डिग्री. हमें क्या यहाँ से एंगल मिल गया, क्वेश्चन में या तो एंगल लिखा रहेगा या तो इस तरीके से टाइमिंग दिया रहेगा, 10 मिनट्स अपार्ट, 15 मिनट्स अपार्ट, 5 मिनट्स अपार्ट, इस तरीके से मेंशन रहेगा. ये इन शॉर्ट हमको एंगल ही बताता है. देखिए एंगल की जगह हमने क्या रखा, 60 11 m, क्योंकि हमें टाइमिंग तो पता नहीं है. 60 + 60 × इस बार टाइमिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा, 3:00 to 4:00. व्हाट डज इट मीन,
टाइमिंग हमारा किसके बीच में रहेगा, 3:00 to 3:59 minutes. इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस फॉर्म में रहेगा, 3 hours and whatever will be the minutes, उस पर ध्यान देना होगा. देखिए यहाँ पे हम एच की जगह क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे, ओके, अपॉन में 2, अगेन 2 यहाँ पर आ गया, हो गया 120 हो गया. इधर देख लेते हैं, 11 m प्लस ये आ गया 160, इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 60/11 = m. इसे हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, 5/11 minutes. अब इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान देते हैं. देखिए अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 hours 5/11 minutes, ये हमें मिल गया एक टाइम. दूसरा टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़, बस यहाँ पे हमको माइनस रख देना है, ओके. अगेन देखिए, हमने यहाँ पे माइनस रख दिया, यहाँ पर भी माइनस रख दिया. अब ये वैल्यू यहाँ पर आएगी तो क्या हो जाएगी जी, ऐड हो जाएगी, 300/11 अब इक्वल्स टू एम. यहाँ से हमारा मिनट कितना निकल आएगा, 27/3/11 minutes. दूसरी टाइमिंग हमें क्या मिल गई, 3:27 3/11. ये हमें दो टाइमिंग मिला, जब इस टाइम पे क्या होता है, दोनों मतलब आवर हैंड एंड मिनट हैंड्स के बीच में क्या होता है जी, 10 मिनट्स की दूरी होती है. यही क्वेश्चन था ना. अब ज़रा सा हम अपने ट्रिक को फॉलो करते हैं. ये तो हो गया फॉर्मूला, ज़रा इसे रब करते हैं. फॉर्मूला से जब आप ट्रिक पे जाओगे तो फिर आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, हमारा क्वेश्चन, हमारी जो ट्रिक है वो बिल्कुल परफेक्ट है. ऐसे अप्लाई करके चेक किया जाता है. देखिए अभी क्या है, 3 बज रहा है ना, आइए ज़रा 3 बजा देते हैं. देखिए 3 इस तरह से बजेगा, 3 बजे बोल रहा है, कब दोनों सुइयों के बीच में 10 मिनट की गैपिंग होगी. ज़रा खुद देखिए, पहली गैपिंग हमें कब दिख रही है, हमको 3:05 पे दिख रही है. वेरी गुड, ज़रा लिख लेते हैं. और ट्रिक क्या था हमारा, मल्टीप्लाई बाय 12/11 60/11. जी देखिए, हमारी पहली टाइमिंग मैच कर गई. अब ज़रा सा देखिए, मैच कर रही है ना. ज़रा दूसरी टाइमिंग को भी देख लेते हैं. दूसरी टाइम हमें क्या मिल रहा है, अब हम दूसरी बार अगर चेक करें तो क्या हमारा 3:25 पर मिल रहा है. वेरी गुड, देखिएगा, अब हम 3:25 पे मल्टीप्लाई बाय 12/11 करेंगे तो अगेन, ये 12 है, 12/11 करेंगे तो अगेन हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल मैच कर रहा है. इस तरीके से ये प्रूव होता है कि ये ट्रिक 110% कारगर है. आप इसको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब. चलिए अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं. अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे 3 क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल भी ऐसे मस्ट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है. बट क्या होता है, थोड़ा एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आता है ना तो पैटर्न थोड़ा चेंज रहता है. पहले आता था क्वेश्चन किस तरीके से, इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड विल मेक 0° और 360°. देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, अलग हो जाता है. 0° का मतलब क्या होता है, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करेंगी. जी बिल्कुल, क्वेश्चन में ये भी लिख सकता है कि 12 घंटों में कितनी बार दोनों सुइयाँ ओवरलैप करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. इस तरीके के वर्डिंग से क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है. यहाँ पर लिखा हुआ है, इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड विल मेक 0°. देखिए जब भी कोई क्वेश्चन पुटअप हो रहा है ना, इट मीन्स वॉट, जरूर उसमें कोई एक्सेप्शन होगा. ऐसे देखने में तो लगता होगा कि 12 आवर्स हैं, 12 टाइम्स होगा. जी नहीं, आंसर है 11 टाइम्स. अब क्वेश्चन आजकल इस तरीके से पूछ रहा है कि ऐसा कब होता है कि ये 0° नहीं बनता है, एट वॉट टाइम बोथ हैंड विल नॉट मेक 0°. ओके, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ दे रहा है, एट वॉट टाइम बोथ हैंड विल नॉट मेक 0° और 360°. अब ऐसे क्वेश्चन को आंसर देने के लिए करना क्या है, हमको ये पता तो होना चाहिए ना कि कब नहीं बनता है. ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहला हम देखें ज़रा सा, इंटरसेक्ट कब कर रहा है, करेक्ट 12 बजे कर रहा है. इन द सेम वे अगर हम 1 बजे आए तो 1:05 के आसपास, इन द सेम वे 2:10 3:15 4:20 5:25 करता चला जा रहा है. बट जब हम 11 पर आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम आ गए 11 पे. 11 से हमारी जो है मिनट हैंड की मूवमेंट स्टार्ट होती है, 11, 5, 10, 15, 20 करते करते जब ये वापस आपकी 11:55 पे आती है तो हमारी आवर हैंड की मूवमेंट किधर हो जाती है, 12 की
तरफ हो जाती है. इनके बीच में करेक्ट मूवमेंट होता, इनके बीच में करेक्ट ओवरलैप ये होते तो हैं, जीरो डिग्री बनाते तो हैं, बट वो कब करते हैं? करेक्ट 12 पे. जब आपका इट मींस व्हाट, ये जो आपकी 11 बजे की जो टाइमिंग है, 11:00 मिनट से लेकर के 11:59 तक, इस बीच में एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि ये इंटरसेक्ट करें. अगर आपको इस क्वेश्चन पे कोई डाउट हो तो आप इसे 12/11 के कॉन्सेप्ट से आप चेक भी कर सकते. जरा देखो, हमारे अकॉर्डिंग अगर हमने आवर हैंड से कहा कि भाई आप 11 पे ही रहो, मूवमेंट मत दिखाना, तो इनके ओवरलैप होने के लिए टाइमिंग हमें क्या मिलती है? 11:55 ना. सी 11:55 मल्टीप्लाई बाय 12/11. ज़रा इसको मल्टीप्लाई करिए, ज़रा देखिए कितना आ रहा है. देखिए ये आपके 60 टाइम्स कट रहा है. आंसर क्या आ रहा है? 11:60. कभी भी आपने देखा है इस तरीके से लिखा हो 11:60? जी नहीं. इसे क्या लिखेंगे? 11:59 मिनट्स के बाद क्या आता है? 12 o'clock. इन द सेम वे इन लोग के बीच में इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग होती है, बट वो करेक्ट 12 बजे होती है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? बिटवीन 11 to 12. ओके, चलिए. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, करेक्ट 11 बजे में आपका ओवरलैपिंग नहीं होता है. इन द सेम वे क्वेश्चन आपसे और क्या पूछता है, यहाँ पे 0 डिग्री की जगह ज़रा सा आप लिख दीजिए 180 डिग्री. 180 डिग्री की जगह और क्या लिखा रहेगा? व्हेन बोथ द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर. ओके, यहाँ पे लिखा. इसका भी आंसर आपका 11 टाइम्स है. अब ज़रा देख लिया जाए कब ऐसा होता है कि दोनों अपोजिट नहीं होते हैं. आइए चलिए देखते हैं. देखिए, करेक्ट 12:30 बजे, 12:30 बजे के आसपास आपका ऐसे ही 180 डिग्री बनता होगा. इन द सेम वे 1:35 पे, 2:40 पे, 3:45 पे, सब पे बन रहा है. बहुत होगा, फ्रैक्शन का उसमें डिफरेंस होगा, थोड़ा स्लाइटली ऊपर नीचे होगा. बट ज़रा सा हम 5 बजे आ जाते हैं. 5 बजे कुछ इस तरीके से 5 बजता है. इनके बीच में करेक्ट 180 डिग्री बनाने के लिए ज़रा हम देखें अगर, तो हमें क्या दिख रहा है? अगर आवर हैंड की मूवमेंट ना हो, सपोज़ दैट आवर हैंड की मूवमेंट अगर नहीं हो रही है, तो हमें दिख रहा है 5:55. बट क्या ऐसा रियल में होता है? नहीं होता है ना. 5:55 पे क्या होता है? हमारी जो आवर हैंड है उसका मूवमेंट 6 की तरफ हो जाता है. तो करेक्ट 180 डिग्री बनता है, बट टाइमिंग क्या हो जाती है जी? 6 बजे की टाइमिंग हो जाती है. इट मीन्स वॉट कि 5:00 मिनट से लेके 5:59 मिनट के बीच में ऐसा कभी नहीं होता है कि 180 डिग्री बने. ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन. अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ज़रा देख लेते हैं. वो क्वेश्चन है कि कब दोनों सुइयों के बीच में 12 आवर्स में कितनी बार 90 डिग्री बनता है. हिंदी वाले जान जाएं, इसको समकोण भी कहते हैं 90 डिग्री को. इंग्लिश वाले तो राइट एंगल ट्राइंगल लिखा रह सकता है. ओके, या ये भी लिखा रह सकता है कब इनके बीच में गैप हो 15 मिनट्स का, ऐसे भी लिखा रहेगा गैप ऑफ 15 मिनट्स. 15 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया. इसका आंसर है 22 टाइम्स. 2 बार ऐसा होता है कि आपका 90 डिग्री नहीं बनता है. ज़रा सा उसे भी देख लेते हैं. 90 डिग्री आपका हर टाइमिंग पे बनेगा. अगर हम 12 बजे पर आ जाएं, 12 बजे की टाइमिंग में आप ज़रा सा नोटिस करिएगा, एक आपका 12:15 पे दिख रहा है, दूसरा आपको कब दिख रहा है? 12:49 पे. देखिए, ऐसे हम बोल दे रहे हैं कि 12:45 मिनट्स, आई कैन अंडरस्टैंड. बट अगर आप चाहेंगे इसका आप निकालेंगे भी, आप 12/11 पुट करके निकालेंगे, तब भी आपको इनके बीच में 15 मिनट्स का गैप मिल जाएगा. बस डिफरेंस क्या होगा? 2-3 मिनट का डिफरेंस होगा. बट यहाँ समझने वाली बात है, हर टाइमिंग पे 12 बजे 2 बार 90 डिग्री बनेगा, 1 बजे 2 बार 90 डिग्री बनेगा. बट जरा सा हम 2 बजे आ जाते हैं. 2 बजे क्या होता है? इस तरह से 2 बजता है जी. पहला 90 डिग्री का एंगल हमको मिलता है, अगर हम 2 आवर हैंड को 2 पे ही रोक दें, हमको पहला 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है 2:25 पे. मानते हैं स्लाइटली सा डिफरेंस होगा, बहुत होगा 2:28 होता होगा. हम 12/11 से निकाल लेंगे उसे कितना टाइमिंग होता है. बट यहाँ पे बन रहा है ना, सेकेंड 15 मिनट्स का गैप कब आएगा? जब आएगा तो करेक्ट 3 बज चुका होगा. इसकी वजह से क्या होगा कि वो टाइमिंग जो होगी हमारी, वो 2:00 से लेकर के 2:59 के बीच में नहीं होगी, वो 3 बजे में आ जाएगी. इट मीन्स वॉट कि 2 बजे क्या होगा? सिर्फ 1 बार 90 डिग्री बनेगा. इन द सेम वे हर टाइम पे 3 बजे 2 बार, 4 बजे 2 बार, 5 बजे भी 2 बार, 6 बजे, 7 बजे 2 बार बनेगा,
सॉरी 8 बजे नहीं, 9 बजे दो बार, 10 बजे दो बार एंड 11 बजे भी दो बार. अब ये जो प्रोसेस जो 2 बजे हुआ था ना, इन द सेम वे सेम तरह का प्रॉब्लम आता है 8 बजे. 8 बजे भी अगर हम नोटिस करें, हमारा जो पहला 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो आ गया आपका 8:25 पे, और दूसरा टाइमिंग कब आता है, करेक्ट 9 बजे. तो 8 बजे और 2 बजे ऐसा होता है कि आपका सिर्फ एक एक बार 90 डिग्री बनता है, बाकी सब टाइम दो दो बार 90 डिग्री बनता है. चलिए अब चलते हैं ज़रा क्लॉक के एरर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस तरह से एरर के क्वेश्चन को हमें टैकल करना है. चलिए हम क्लॉक के एरर के क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरीके से हमसे क्लॉक के एरर को क्वेश्चन को पूछा जाता है. देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है. इन अ डे अ क्लॉक गेन्स 15 मिनट्स, मतलब क्या है, एक दिन में एक घड़ी 15 मिनट फास्ट हो जाती है. इफ़ इट वॉज सेट राइट एट 12 o'clock इन आफ्टरनून, 12 बजे दोपहर में इसे सेट किया गया. सो वॉट विल बी द क्लॉक, सो वॉट टाइम विल द क्लॉक विल शो एट 4 AM. देखिए 12 बजे दोपहर में सेट किया गया है और 4 बजे भोर की टाइमिंग पूछ रहा है, जब करेक्ट टाइम जो हमारी सही घड़ी है वो 4 बजे दिखाती होगी, तो हमारी फास्ट होने वाली घड़ी क्या टाइमिंग दिखाएगी. ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल प्रोसेस से किया जाता है. देखिए एक दिन में कितना बढ़ रही है, 15 मिनट ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 day 15 minutes. इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 24 hour में कितना हो गया, 15 मिनट. ओके अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक घंटे में तब कितना ये मूव कर, कितना आगे बढ़ जाती होगी, 15/24 मिनट. ओके अब हम क्या ध्यान देंगे कि दोपहर के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे भोर में दोनों के बीच में कितने आवर्स हैं. ध्यान दीजिएगा, दोपहर के 12 बजे से रात का 12 बजे, ये देखिएगा ज़रा सा, दोपहर का जो 12 बजे है वहाँ से लेकर के रात के 12 बजे इनके बीच में कंप्लीट कितना आया, 12 hours. वेरी गुड. और आपके रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे भोर तक इनके बीच में क्या 4 घंटे हुए, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल आया हमारा 16 hours. मतलब जब राइट करेक्ट टाइमिंग जब सेट किया गया था 12 बजे, उसके बाद 16 घंटा घड़ी चली है. एक घंटे में 15/24 मिनट्स आगे होती है. क्या हम निकाल सकते हैं कि 16 hours में कितना आगे होगी. वेरी गुड, यहाँ पे हम लिखेंगे 16 hours, 15/24, यहाँ लिख दिया 16. इसे हम ज़रा कट कर देते हैं, ये कट हो जाएगा 3 times 2 times, ये हो गया 5 times, 5 times 10 मिनट. हमें ये समझ में आया कि जब हमारा 10 मिनट हमारी घड़ी क्या है, फास्ट हो गई. इट मीन्स व्हाट, जब हमारी सही घड़ी जो मेरी करेक्ट है घड़ी वो कितना टाइम दिखा रही है, 4 बजे, तो जो हमारी घड़ी जो 15 मिनट फास्ट हो जाती है जी, वो कितना टाइम दिखाएगी, 4:10. हमारा आंसर हो गया 4:10. एग्ज़ाम में आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछता है एरर का, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें आप बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाए. ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन द सेम वे अगर इसी क्वेश्चन में फास्ट की जगह जहाँ पे गेन लिखा है ना, वहाँ पे अगर स्लो रहता तो हम क्या करते, स्लो रहता, 10 मिनट आया आंसर, तो स्लो पे हमारा आंसर क्या होता, चेंज हो जाता. हम 4 बजे में से क्या करते, 10 मिनट घटा देते, हमारा आंसर क्या हो जाता, 3:50, और हमारे इसमें कोई चेंज नहीं आता, प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा. जब भी हमारे पास एरर का क्वेश्चन आएगा हम सिंपली इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सेशन. आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू.